सपोर्ट करने आई हूँ. आई डोंट नो मेनी पीपल नो दिस, बट वो हमारी फिल्म में है, गौरी शिंदे वाली फिल्म में, शाहरुख वाली फिल्म में, जिसकी टाइटल अभी तक रिलीज नहीं हुई है, जो होने वाली है. बट क्योंकि आई स्पेंड अ लॉट ऑफ माई लास्ट फ्यू मंथ्स एंड नॉट इयर्स टाइम, हाँ, लॉट्स ऑफ टाइम विद हर, एंड शी इज प्लेइंग माई बेस्ट फ्रेंड इन द फिल्म, सो आई वॉन्टेड टू कम आउट एंड सपोर्ट हर. मैं फिल्म देख नहीं सकती क्योंकि आई हैव टू गो होम एंड आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स, बट आई डेफिनेटली वांट टू गिव अ लॉट्स ऑफ लव. एंड शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, उनकी मम्मी भी बहुत ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, एंड हर मॉम इज वर्क्ड विद माय मॉम, व्हिच इज द बेस्ट थिंग. सो नाउ वी आर हियर टुगेदर, सो बेसिकली दैट्स व्हाई आई एम हियर. ऑफ कोर्स आई हैव, सी आई थिंक इट्स अ वेरी कूल, क्वर्की, वेरी डिफरेंट, एंड आई डेफिनेटली इट्स एन ए फिल्म, सो एडल्ट्स गो वॉच इट ओनली, बट आई थिंक इट्स अ न्यू टोन एंड न्यू टेक ऑन सम लाइक अ कमिंग ऑफ एज और लाइफ ऑफ दीज you know, these youngsters, Ira and her co-star. And mujhe to bahut hi interesting lagi, the way it was shot. And I feel ke itne sare festivals mein official nomination hui hai. It's been such a favorite of a lot of festivals. I think it's great that we're giving, you know, so much support to new age cinema. And we should go ahead and do it continuously. पहले तो 23 साल के बच्चे ने डायरेक्ट किया है, बहुत बड़ी बात है कि एक छोटा बच्चा जो अभी कॉलेज से निकला भी नहीं और डायरेक्ट किया हुआ है, इतने सारे अवार्ड लेकर आया हुआ है, और कास्ट भी है जो बहुत बहुत बड़ा कास्ट है, अच्छा कास्ट है. तो माँ यू नो, नसीर भाई का बेटा, लेनेट दुबे जी का बेटी, तो ये सब गेम बहुत बड़ा है. एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ फैंटास्टिक फिल्म, आई एम हैप्पी टू बी हियर. यही है कि एक 23 साल का बच्चे ने डायरेक्ट किया, वो देख लिया. देखिए फिल्म फिल्म होती है, काइंड एज इन इंडी, आर्टी, कमर्शियल, वो आई डोंट थिंक वी शुड सेग्रीगेट. एवरी स्टोरी इज डिफरेंट एंड एवरी एक्टर शुड वांट टू. मुझे मराठी फिल्म भी करनी है, इंडी फिल्म भी करनी है, गुजराती फिल्म भी करनी है, तमिल फिल्म भी करनी है, हॉलीवुड में भी करना है, सबको. एवरीबॉडी वांट्स टू डू एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म. सो या आई थिंक वी शुड जस्ट ऑलवेज सपोर्ट एवरी काइंड ऑफ सिनेमा. दिस फिल्म्स रियली बीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर इयर्स. I mean, we started shooting it way earlier, and then finally we have an Indian release, which is a very big thing. We released in New York, we released in London, and we were all there celebrating, and we won so many awards. It's a really, really special film to me. बहुत खास फिल्म है मेरे लिए, because I actually started my career at that time when I was doing this, so it was a great experience, of course, and the cast and crew, and we all know each other for years now, so it's not like a recent release. Hard hitting, I don't know, but जैसे कि हम लोग, जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी, we should try and do different kinds of films. जैसे कि इस फिल्म की voice और tone और mood अलग है, so if there's a different film which has like a maybe not so hard hitting and intense, but has a tone of maybe reality or जो youngsters के बारे में. I have to add something here. That her choice of films has been absolutely amazing, and she's not just done hard hitting, she's done everything, and she's got like years and years to go. Shasha. No, I think थोड़ा सा break लेना पड़ेगा. थोड़ी सी खुश हो जाते हैं आप लोग, थोड़ी सी खुश हो जाते हैं, और फिर वापस मैं आपको रुलवाऊंगी. आरडी बर्मन साहब के. मुझे लगता है कि सबके ऊपर बननी चाहिए, सबके मेमोरीज रहनी चाहिए, और बर्मन आरडी बर्मन साहब पंचम दा मतलब. Definitely, I think first time was bad enough. I don't understand how कि ये दूसरी बार भी हुआ है. It's the worst thing for a filmmaker or a producer or actors to have their film getting leaked online way beforehand. Definitely not fair. और we should do something about it. But बहुत ही बड़ा issue है. So we'll have to start small and then build big. I don't think we were nervous. We were more curious to see as to what kind of a rating we'd get, whether we'd get any cuts. I think they had a certification from a slightly more easier censor board, so I don't think it was a big problem actually for this one. For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.